All right, now we are shifting our focus to some other stories that we are tracking very closely, is where in a historic move for India, the Rajya Sabha has passed the Women's Reservation Bill a day after the Lok Sabha cleared it. The bill was passed with absolute majority, with no votes going against it. All 215 members of the Rajya Sabha voted in favour of reserving one-third seats for women in Lok Sabha and assemblies. Now, this for the first time in the history of Indian parliamentary democracy that the Women Quota Bill has got clearance from both Lok Sabha and the Rajya Sabha. The bill will now be presented before the President, Draupadi Murmu, for her consent, after which it will become a law. BJP Mahila Morcha is all set to welcome Prime Minister Narendra Modi at the BJP headquarters to thank him for ensuring the bill is passed in his tenure. However, the opposition is still questioning the delay in implementation. They are seeking a deadline to implement the Women Reservation Bill. देखिए, the Constitution Amendment Bill, जो 128वां था, वो आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया, और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है, और ये संसद भवन जो नया बना, उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। सर, जो लोग नियत पर सवाल उठाते थे, उनको जवाब मिल गया? देखिए, आज उस हर समय चर्चा के समय आया कि आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस जुमला का है, फुमला का है, वो महिलाओं को तो वैसे भी टिकट देती नहीं है। उनके पारिवारिक जो महिलाएं दो चार वही पार्टी चलाती है और वही टिकटें लेती है। कितनी कांग्रेस की महिला एमपीज है आप मुझे बताएं, वो हाथों में गिनने लायक भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बिना रिजर्वेशन से, ये भी इतनी ज्यादा महिलाएं हमारी सांसद है, हमारे मंत्री सांसद है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर महिला दी है, इतने सालों बाद फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला। मुझे लगता है फिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सवाल पूछना, कांग्रेस को उनके संस्कार को तो सूट होता है, लेकिन देश के लिए अच्छा नहीं है। महिला आरक्षण से पहले दो अनिवार्य शर्त रखी गई है, एक जनगणना है, दूसरा डिलिमिटेशन है। ये होने तक तो ये इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। और आप इतने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आपने एक फेंक दिया कि चलो ये चलने दो। मैं ये नहीं कहता, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब एक बार बोले थे, 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये सब कुछ बोले थे। फिर बाद में उनको पूछा गया, कहाँ है हमारे 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है हमारा 15 लाख। तब मैंने पेपर में पढ़ा, अगर आपको सबको भी मालूम है, ये तो चुनावी जुमले हैं, ये तो चुनावी जुमले हैं। हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी यही मांग है कि ये बिल अभी तुरंत 2024 के चुनाव में लागू किया जाए और उसमें हमारे ओबीसी का कोटा भेज दिया जाए। देखिए, दोनों जगह पास हुआ, ऐतिहासिक पल है हम महिलाओं के लिए, लेकिन अगर उसमें प्रावधान जो हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था कि ओबीसी का भी अलग से प्रावधान हो, तो वो हो जाता तो और भी अच्छा होता। हम लोग चाहते थे कि 2024 से ही लागू हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो एक पेच लगाया गया है डिलिमिटेशन का और परिसीमन का, जातीय जनगणना का, उनसे निकल कर 2029 में ये श्योरिटी मिले कि महिलाओं का जो भागीदारी है वो 33% बढ़ेगा। इसी उम्मीद से हम लोग जा रहे हैं। See, this indeed is a historical decision, a bill that has been passed by total majority in Rajya Sabha after a debate of 11 hours yesterday. And
there were concerns from the opposition and there are questions from the opposition. They say that the timing of bringing this bill is questionable, and other things which were of concern for the opposition is that the delimitation process is quite a delay to implement this particular bill. So there should be a deadline that should be put across for the implementation of the bill for the benefit of maximum women who want to be in the Lok Sabha and the respective state assemblies. So there was a lot of points. There were concerns. There were amendments also that were tried to be moved. But wholeheartedly, the opposition has given its support to this women's reservation bill. That is indeed an achievement. And this happened after a delay of almost 3 decades. So after 27 years, the bill got passed. On 20th, it was passed in the Lok Sabha. On 21st, that was yesterday, it was passed in Rajya Sabha. And Prime Minister Narendra Modi also thanked the opposition to support this bill. And as a mark of achievement and as a mark of respect, today a special program has also been arranged in the BJP headquarters.